सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए मैंने ये दो पीस कट किए हैं, इस तरह से मैंने इनको एक साथ रखा है और फोल्ड कर लिया है इसको, और फोल्ड साइज जो है वो मैंने अपनी तरफ रखा है। अब जो है वो हम इसकी लंबाई देख लेते हैं। ये है 9.5 इंच, चौड़ाई है 8.5 इंच, और सबसे पहले हम इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हम देख लेंगे उतना ही होना चाहिए सेम। उसके बाद हम आर्म होल का निशान लगा लेंगे जो कि 5.5 इंच है। उसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा है वो हमारा मार्जिन रहेगा। और यहाँ से हम कमर का निशान लगा लेंगे और दोनों निशान को हम मैच कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम 2.5 इंच रखेंगे नेक का निशान, और यहाँ से हम 1/2 इंच डाउन कर लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल की गुलाई देंगे इस तरह से। इतना जो है हमारा मार्जिन रहेगा, 1 इंच का मार्जिन रखा है बस मैंने। फिर इसको कट कर लेंगे। पहले हम शोल्डर कट करेंगे, उसके बाद आर्म होल, और फिर हम ये साइड कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें से एक पीस जो है वो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है फ्रंट का नेक कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच लगाया है निशान, और यहाँ से मैं 1/2 इंच डीप करूंगी आर्म होल को, और उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे, नेक को कट कर लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल की जो हमने गुलाई दी है उसको हम कट कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट तो हमारा कट हो गया। अब हम इसका फ्रंट कट हो गया, अब बैक पार्ट हम कट करेंगे। तो बैक के लिए यहाँ पे मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया, 2.5, और ऊपर से 2.5 ही रहेगा दोनों का। इसकी हम गुलाई दे देंगे और इसको कट कर लेंगे। तो ये दोनों पीस जो है हमारे बैक और फ्रंट, ये तो कट हो गए हैं। अब हम इसकी स्लीव कट करेंगे। तो स्लीव जो है वो मैंने ऑलरेडी कट कर ली है, इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लें आप। और यहाँ पे जो आपको डीप कटिंग दिख रही है यहाँ पे, ये यह हमारा फ्रंट से अटैच होगा। यहाँ पे मैंने चंदा का निशान भी लगा लिया है, और इसकी ये जो लंबाई है मैंने कट नहीं की है, दोनों मैंने सेम ही रखे हैं। यहाँ पे हमारी प्लेट्स डलेंगी, तो इसलिए मैंने इसको सेम ऐसे ही रखा है, कोई मैंने ढाल यहाँ पे नहीं दिया है। अगर आपको इसकी स्लिप की बिल्कुल अच्छी से कटिंग देखनी है किस तरह से हम करते हैं, तो मैंने ऑलरेडी उसकी एक वीडियो डाल रखी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसकी कटिंग देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से उसमें बताया, बहुत ही ईजी वे है। अब जो है मैं इसके आगे की साइड पे जो है वो ये इलास्टिक लगाने वाली हूँ, और ये लेस लगाने वाली हूँ। तो ये भी हमारा रेडी हो गया है। अब जो है वो हम इसकी स्कर्ट की कटिंग कर लेंगे। तो इसकी कटिंग जो है वो मैंने ऑलरेडी कर ली है, तो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में मेजरमेंट दिया है उसी हिसाब से मैंने इन दो पार्ट्स को कट कर लिया है। एक हमारा फ्रंट हो जाएगा और एक हमारा बैक हो जाएगा। तो अब जो हम सिलाई स्टार्ट करते हैं। सिलाई के लिए मैंने पहले एक कॉटन का अस्तर लिया है, उसके ऊपर मैं इस फ्रंट वाले पार्ट को उल्टा करके रखूंगी, मैं इस तरह से उल्टा करके रखूंगी। फिर इसको मैं पिन अप कर लूंगी, और उसके बाद मैं यहाँ पे नेक पे जो है एक पैर की सिलाई लगाऊंगी। और हमें बारीक सिलाई लगानी है, जो नॉर्मली हम सिलाई करते वक्त लगाते हैं। सिलाई मैंने लगा ली है, और मैंने जो हमारा अस्तर है उसे भी मैंने कट कर लिया है। और इसके बाद मैं यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लूँगी, और फिर हम इसको पलट लेंगे। इस तरीके से हमारा ये नेक जो है वो तो रेडी हो ही गया है। इसके बाद इसे मैं फिर से पिनअप कर लूँगी, और इसके नेक के जो साइड है इस पे हमें एक बारीक सिलाई लगानी है यहाँ से यहाँ तक।
उसके बाद मैं यहाँ से जो है वो सिलाई की चाल बढ़ा के पूरे राउंड में इसके सिलाई लगा के अस्तर को इससे अटैच कर लूंगी। तो यहाँ से जो है वो मैंने बारीक सिलाई रखी है, जिस तरह इसे हम नॉर्मली कपड़े सिलते हैं वही मैंने रखी है यहाँ पे, वही चाल से मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। और नेक पे सिलाई लगाने के बाद शोल्डर से जो है वो मैंने चाल को बड़ा कर लिया है, क्योंकि हमें सिर्फ अस्तर को इससे अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए चाल को बड़ा करके आप इसको हर तरफ से अटैच कर लें, और अटैच करने के बाद जो इसका अस्तर है उसे भी जो एक्स्ट्रा दिख रहा है हमें वो भी हमने कट कर लिया है। तो ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो तो रेडी हो गया है, अब हम बैक वाला करेंगे। तो इसके लिए पहले जो है मैंने यहाँ पे 2 इंच का निशान लगा के यहाँ पे कट लगाया है, जो कि ओपन रहेगा ताकि बच्चे को फ्रॉक बनाने में आसानी हो। और इसके लिए भी मैंने यहाँ पे अस्तर कट कर लिया है और इसके ऊपर इस तरीके से इसको रखा है मैंने, ये भी हम पिनअप कर लेंगे। अब इसमें भी यहाँ पे हमें एक टाइप की सिलाई लगानी है नेक पे, यहाँ पे हमें सिर्फ वी बनाना है। तो यहाँ पे भी मैंने सिलाई को जो है वो नॉर्मली रखा है, इसको हम यहाँ पे टर्न कर लेंगे और नीचे की तरफ लाके यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वी बनाना है। अभी जो है हमें सिर्फ इसके नेक पे ही सिलाई लगानी है। तो मैंने सिलाई लगा ली है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे भी मैंने कट कर लिया है, देखिए इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे भी हम छोटे छोटे कट लगाएंगे इसको टर्न करने से पहले। और अब हम इसको टर्न करने से पहले ही जो है हम फ्रंट वाले पार्ट को अटैच करेंगे, शोल्डर से अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने इसको इसके ऊपर ये अस्तर वाला जो हिस्सा है वो मैंने अस्तर की तरफ रखा है और कपड़ा जो है वो कपड़े की तरफ रहेगा। इस तरीके से हमने इसके बीच में फ्रंट वाले पार्ट को रखा है बैक वाले पार्ट के बीच में, इसे भी हम इस तरीके से अटैच करके इसे पिनअप कर लेंगे। फायदा होता है कि जो हमारी शोल्डर की सिलाई जो है वो अंदर की तरफ चली जाती है, वो दिखाई नहीं देती है, सफाई आती है और बच्चे को जो है वो सिलाई चुभती भी नहीं है। तो सिलाई मैंने लगा ली है यहाँ पे शोल्डर की, अब इनके पिन्स को निकाल लेंगे और फिर इसको टर्न कर लेंगे। अच्छे से जो है वो हम इसकी अच्छे से पढ़ लेंगे हम। इसके जो कॉर्नर्स हैं वो किसी आप नुकीली चीज से, कील वगैरह से, आप कोई भी चीज हो आपके पास तो इस तरीके से आप इसके कॉर्नर्स को बना लें अच्छे तरीके से पहले, और फिर इसको सेट कर लें और फिर इसको पिनअप कर लें। तो देखिए शोल्डर की जो सिलाई है वो अंदर चली गई है और कितनी सफाई आई है, और देखिए सीधे और उल्टे में फर्क भी पता नहीं चल रहा है कि कौन सा सीधा है और कौन सा उल्टा है, क्योंकि दोनों साइड पे हमारी इतनी सफाई आई है। अब हम क्या करेंगे, बैक वाले हिस्से पे हम शोल्डर से सिलाई को लगाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से हम, और दूसरे शोल्डर तक हम लगाएंगे बारीक सिलाई, और यहाँ से जो है हम बड़ी चाल करके इसको हम सेट। Thank you.
सर्कल में हमारे फ्रिल जो है वो लग गई है, तो टॉप जो है वो तो हमारा रेडी हो गया है। अब जो है वो हम इसकी स्लीव सिलना स्टार्ट करेंगे। तो स्लीव के लिए मैंने पहले एक स्लीव ले ली है मैंने, मैं इसको आपको तैयार करके दिखाती हूँ, आप उसी तरीके से दूसरी भी तैयार कर लीजिएगा। तो पहले जो हमारी मोहरी है उसको मैं इस तरीके से दो बार फोल्ड करके इस पे एक सिलाई लगा दी, सिलाई मैंने लगा ली है, और इसके ऊपर हम ये अपनी लेस को रखेंगे। इसी तरीके से इस तरह से मैंने रखा है, और मैं इसको आपको पिनअप करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे इस तरीके से बस हम किनारे पे इसको रखे लगाना है। यहाँ पे मैं प्लेट्स नहीं डालूंगी क्योंकि हम यहाँ पे प्लास्टिक डालेंगे तो वो ऑलरेडी हमारी प्लेट्स डल ही जाएंगी। तो मैंने बस यहाँ पे इसको रख के एक सिलाई लगा ली है, और अब ये मैंने इसको पलट के उल्टी तरफ यहाँ पे रख के इसको प्लास्टिक को लगाना है इस तरह से। तो मैंने ये लगा लिया है, हमारी प्लेट्स जो है इसमें आ गई है, इसलिए मैंने इसमें जो है वो प्लेट्स नहीं डाली थी क्योंकि ऑलरेडी फ्रिल यहाँ पे हमारी उसी तरीके से आ जाएगी। तो ये दोनों स्लीव जो है वो मैंने इसी तरीके से रेडी कर ली है, तो ये भी हमारी रेडी है। अब हम इसको टॉप से अटैच करेंगे। तो इसके लिए पहले हम स्लीव को लेंगे और इसको फोल्ड करके हम इसका एक सेंटर का निशान लगाएंगे, और इसका सेंटर का निशान जो है वो हमारा शोल्डर की जो सिलाई है उससे अटैच होना चाहिए, वहीं पे आना चाहिए बिल्कुल। दूसरे स्लीव को भी हम लेंगे और उस पर भी हम सेंटर का निशान लगाएंगे, और वो भी इसी तरीके से हमारी शोल्डर के सिलाई से मैच होना चाहिए। तो मैंने इसके एंड से इसको सिलना स्टार्ट किया है। अब पहले स्लिप को रख के देख लें कि हमारा जो सेंटर का जो हमें निशान लगाया है वो शोल्डर पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपकी स्लिप छोटी या बड़ी तो नहीं है। तो बस मैंने यहाँ पे इसको रख के सिलाई लगा दी है, उसी तरीके से मैंने दूसरे शोल्डर से भी इसको अटैच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, आस्तीन से लेके कमर तक मार्जिन रखते हुए, एक इंच का मार्जिन हमने रखा था तो हम उतना छोड़ते हुए ही सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने से पहले हमें ये बद्दियाँ जो हैं वो से अटैच करनी है। ये तो बहुत आसान है बनाना, ये तो आप इंशाल्लाह बना ही लेंगे। तो यहाँ नीचे से की तरफ से मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए, सिलाई के लिए छोड़ते हुए मैंने इसको अटैच कर लिया है, क्योंकि अभी हमें इसको स्कर्ट से अटैच करना है तो हमें इसके लिए यहाँ पे मार्जिन चाहिए। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ इंच का या पौन इंच का आप यहाँ पे मार्जिन छोड़ सकते हैं, और उसको छोड़ के मैंने इसको पिनअप कर लिया है। अब हम इसकी साइड की, दोनों साइड की सिलाई लगा सकते हैं। तो मैंने साइड की सिलाई लगा ली है, अब इसको हम सीधा करके देख लेते हैं। देखिए ये तो बिल्कुल रेडी है और अच्छी तरीके से बन गया है हमारा। अब हम इसका
इसकी जो स्कर्ट है वो रेडी करेंगे। तो स्कर्ट के लिए हमें क्या करना है, इसकी जो चौड़ाई है दोनों पार्ट्स को हम लेंगे और इसकी जो चौड़ाई है उसमें हम सिलाई लगा लेंगे। मैंने यहाँ पर डबल सिलाई लगाई है, टॉप में भी मैंने डबल ही सिलाई लगाई थी, अब डबल ही सिलाई लगाइएगा। तो सिलाई मैंने लगा ली है, अब हम इसको ओपन करेंगे। और नीचे की सिलाई के लिए मैंने पहले हाफ इंच फोल्ड किया है और उसके बाद मैंने 1 इंच फोल्ड किया है। इस तरीके से हम पूरे सर्कल में सिलाई लगा लेंगे। देखिए सिलाई मैंने लगा ली है पूरे सर्कल में इसकी, तो ये नीचे से तो रेडी हो गया है। अब हम इसको स्कर्ट से अटैच करेंगे। तो अटैच करने से पहले हम इसकी सिलाई को जो है वो मैच करेंगे, सिलाई वाले हिस्से को, और इसके सेंटर का निशान लगाएंगे। दोनों साइड पे हमें इसी तरीके से सेंटर के निशान लगाने हैं और उसी तरीके से हम टॉप पे भी सेंटर के निशान लगाएंगे। तो बीच में हम सिलाई को मैच करके दोनों तरफ निशान लगा देंगे। अब जो हमने सेंटर के निशान लगाए हैं दोनों पे, तो सेंटर के निशान को हमें सेंटर से इस तरीके से मैच करके पिनअप कर लेना है। आप चाहें तो पिनअप ना करें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ पिनअप करके दिखा रही हूँ, समझा रही हूँ कि आपको किस तरीके से सर्कल को इक्वली आपको प्लेट्स अगर डालनी है तो यही वे होगा प्लेट्स डालने का। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि पीछे की तरफ ज़्यादा प्लेट्स डल गई हैं या आगे की तरफ ज़्यादा डल गई हैं या राइट साइड ज़्यादा डल गई हैं और लेफ्ट साइड कम हो गई हैं। तो आप इस तरीके से अगर अटैच करेंगे तो पूरे सर्कल में इक्वली प्लेट्स डलेंगी, कहीं पे कम और ज़्यादा नहीं होंगी। तो साइड की सिलाई को साइड की सिलाई से मैच कर लें और सेंटर के निशान को सेंटर के निशान से मैच कर लें इस तरीके से। और जो ये आपको एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है इसकी हम प्लेट्स डालेंगे तरह से। तो मैंने इसकी साइड की सिलाई से प्लेट्स को डालना स्टार्ट किया है। आप चाहें तो पहले फ्रंट पे डाल लें या राइट सॉरी बैक पे डाल लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिलहाल जो है मैंने यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट से स्टार्ट किया है प्लेट्स को डालना। तो मैंने प्लेट्स को जो है वो अपनी साइड से अपोजिट साइड में प्लेट्स मैंने यहाँ पे डाली है और मैंने यहाँ पे हाफ हाफ इंच की प्लेट्स को डाला है। और इसी तरीके से मैं जो सेंटर का हमने निशान लगाया था वहाँ तक हम इसी वे में प्लेट्स को डालेंगे। और सेंटर के आने के बाद देखिए यहाँ पे सेंटर पे आने के बाद मैंने प्लेट्स का जो रुख है वो मैंने चेंज कर दिया है। अब जो है प्लेट्स मैं अपनी तरफ डाल रही हूँ, हाफ हाफ इंच की मैंने अपनी तरफ प्लेट्स डाली हैं। और इसी तरीके से प्लेट जो है वो मैं साइड की सिलाई तक इसी तरीके से प्लेट्स को मैं डालूँगी। और फिर जब आप बैक साइड पे प्लेट्स डालें तो सेम इसी प्रोसेस से डालें। इससे ये होगा कि आपकी प्लेट्स का जो रुख है वो एक ही तरफ नहीं होगा, लाइट राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे होगा। और सिलाई लगाने के बाद प्लेट्स डालने के बाद आप उन्हीं प्लेट्स पे एक बार और सिलाई लगा लें ताकि जो हमारी बीच की सिलाई है वो अच्छे से मजबूत हो जाए। देखिए ये जो है वो फ्रॉक हमारी इससे अटैच हो गई है, टॉप जो है हमारा अटैच हो गया है। अब बैक साइड पे जो है वो मैं टिच बटन लगाने वाली हूँ, आप चाहें तो हुक भी लगा सकते हैं। तो मैंने ये लगा लिया है इस तरीके से और ये हमारी फ्रॉक बिल्कुल रेडी है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनी है। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा।